ओके, गुड मॉर्निंग है। तो आज जो है डेट है 26 मई 2023, और हम रात में आ गए थे बागडोगरा। होमस्टे करके एक जगह है नियर टू बागडोगरा एयरपोर्ट, यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे रात में। और ठीक है, इसने शायद 1000 रुपीज़ चार्ज किया। रूम भी बहुत बढ़िया लगा मुझे तो। ये अपना रूम सब रेडी हो गया है, तुषार भाई भी रेडी हो गए हैं। कल रात में जो है, मतलब हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। हमारे साथ रेत की आंधी ने पहले खेल खेला करीबन एक घंटे, मतलब इतना ज़्यादा गेम था कि पूरे कपड़ों में रेत भर गई थी, और उसके कुछ अंश यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे। ये पूरा रेत वहीं से आया हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, उसके बाद हुई चालू बारिश। फिर भैया 2 घंटे तक बारिश ही बारिश होती रही, हम लोग रेन गियर डालने के बाद, सब चीज़ें करने के बाद। ठीक है, फिर सबसे ख़तरनाक चीज़, लोगों ने बोला कि जो रूट है ठाकुरगंज वाला, वो आपका 20-30 किलोमीटर ख़राब है। फिर सब कुछ बढ़िया है भैया, वो 20-30 किलोमीटर 100 किलोमीटर था यार, केवल 50 किलोमीटर सही था। और तुषार और हम लोग आगे जो यहाँ पर सोए हैं, रात में 11 बजे, मतलब 7 बजे अररिया में स्टॉप लिया था, उसके बाद से सीधे रात में 11 बजे यहाँ पर आए हैं। बस पहुँच गए और यहाँ पर आके सो गए, रात में मैगी खाई। कुछ भी व्लॉग ऐसा एंड करने का बिल्कुल ही मूड नहीं हुआ। और ऐसा होता है ट्रिप्स में, आप मतलब इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो ना कि कुछ नहीं कर सकते, और वो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। लेकिन अभी हम लोग बहुत चार्ज हो गए हैं, अभी बज रहा है 10:30 और हम लोग आज निकल रहे हैं पैलिंग की तरफ। पैलिंग से शायद रवांगला भी जा सकते हैं, वहीं पर स्टे होगा। परमिट के लिए हमने एक भाई है, उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया, वो आपको कल पता लग जाएगा किससे हमने परमिट बनवाया हुआ है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे पता लग ही जाएगा। तो फिलहाल हम हो गए रेडी। ये हमारा रूम था छोटा सा, मस्त मज़ा आ गया, ठीक है, वर्थ है। और अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया। तुषार भाई रेडी? रेडी स्टडी गो। चलो तो अब निकलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे रोड पर। ओके, तो क्विक अपडेट यह है कि 12 बज गए हैं और हम लोग निकल गए हैं अपने बागडोगरा होम स्टे से, और ऑलमोस्ट हम लोग शायद कुछ 15 किलोमीटर्स आ भी गए हैं। अभी ये सिलीगुड़ी ही चल रहा है, सिलीगुड़ी क्रॉस कर रहे हैं, और टाइमिंग के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो हो गया 39 डिग्री सेल्सियस। हमने गाड़ी में अपना फ्यूल, मतलब फ्यूल इन द सेंस की ऑयल टॉप करा एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ है करके। तुषार ने और मैंने, और फिर उसके बाद चेन वेन में भी थोड़ा सा ल्यूब करवा लिया है, एंड वी आर रेडी गुड टू गो। सो सफ़र तो अभी चालू हो गया है, लेकिन अब ये धीरे धीरे इंग्लिश से इंग्लिश का सफ़र बनते जा रहा है हिंदी की बजाय, और क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा हैवी ट्रैफिक है, तो बस चले आ रहे हैं। फ़िलहाल तो गूगल सेट किया है हमने, और टाइमिंग इसने दिखाया कि आप 4 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि शायद ट्रैफिक है इसलिए इसने 4 घंटे दिखाया। वरना किलोमीटर्स तो अगर आप देखोगे तो 134 किलोमीटर्स ही है सिलीगुड़ी से पैलिंग। हमारा आज का डेस्टिनेशन है पैलिंग होते हुए रवांगला, एंड पैलिंग में हमें सिर्फ एक जगह ही जाना है, वो है स्काई वॉक, जो हमें लग रहा है। ओके, तो गूगल ने बोला सीधे आने के लिए, तो गूगल के हिसाब से सीधे ही आ रहे हैं हम लोग। और फिलहाल तो बस इतना ही अपडेट था, आगे अगर ट्रैफिक खाली होगा, कुछ पहाड़ वगैरह दिखेंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे आगे। और ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बंगाल में है। लेकिन भाई साहब क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ, जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो आप लोग कैमरे के थ्रू नहीं कर पाओगे। अक्कू आकाश मेरे भाई, आई एम जस्ट मिसिंग यू इश्तियाक मेरे भाई, यहाँ पर यार तुम लोगों को होना चाहिए था यार। मतलब यार यहाँ पर राइड करना है ना, अल्टीमेट एडवेंचर एक्सपीरियंस है यार अपने आप में, सीरियसली। 2 दिन से जो सफ़र किया हमने अररिया तक गर्मी, और मतलब कल रात में जो सफ़र किया वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर था। लेकिन भाई साहब आज जो हो रहा है ना, इसके आगे सब फेल हो गया, सब कुछ फेल। बड़ा मज़ा आ गया है, और पहाड़ हैं आपके पास, मौसम है, सब कुछ औसम है। दोनों भाई इंटरकॉम पे कनेक्टेड है, बातें चल रही है, मतलब अलग टाइप की बकलोली चल रही है, कुछ भी बातें चल रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है, सबसे मज़ा आ रहा है। लोग बोलते हैं कि भाई सोलो में क्या मज़े करते हो, हम कहते हैं हम जिस के साथ हो लें उसी के साथ अपन मज़े कर लेते हैं, तो यही है भाई, मज़ा तो है। ओहो हो, अभी हमें ये दिखा रहा है गूगल कि आप पहुँच जाएंगे कुछ 4 बजे तक, और हमें लग रहा है कि हम तो आराम से ब्रेक करके भी जाएंगे तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जगह तो बनती है भाई फ़ोटोग्राफ्स के लिए। अभी आगे रुकेंगे कहीं फ़ोटो वोटो लेने के लिए, देखते हैं कहीं स्टॉपेज लेंगे, फ़ोटो भी लेंगे साथ में, और उसके अलावा कुछ खाएंगे पिएंगे, और क्या है, यही तो सफ़र है, इसी को तो एंजॉय करने आए हैं। कोई टेंशन है नहीं, कोई प्लानिंग है नहीं, बस हमने कल के परमिट निकलवा लिए हैं लाचेन लाचूंग के लिए, क्योंकि अगर इतनी दूर आए और नॉर्थ सिक्किम नहीं जा पाए तो बड़ा अफसोस रह जाएगा दिल में। बाकी परमिट निकालने के बाद देखेंगे, और क्या है। ये देखो भाई साहब, ये कौन सी नदी आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। ओ हो 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 हो, ये ब्रिज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन 3, 2, 1 गो सेकेंड्स।
I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. ये था एक छोटा सा समीरन रेस्टोरेंट जिसपे हमने खाए मोमोज और हमने पिए चाय. टाइम हो रहा है 2 और अभी हम यहाँ पर रुके हुए थे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर. अभी भी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो दिखा रहा है 5 बजे तक. अभी टाइम बहुत बढ़ गया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया शायद इसलिए. और बस बाकी तो सब ठीक है. अब निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको रोड पर. ओहो भाई साहब, बज गए हैं 2:30 और हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी सिक्किम में मेरे भाई. तो ये है सिक्किम, वेलकम टू सिक्किम हो चुका है. अभी एक रास्ता कटा जहाँ से ऊपर बंगाल और सिक्किम अलग अलग हो जाते हैं. तो सिक्किम में आपका स्वागत है और मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है. अभी हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है यहाँ से कुछ 5 बजने वाले हैं हमें डेस्टिनेशन पहुँचने में. और अभी दिखा रहा है 71 किलोमीटर्स फॉर 2.5 आवर्स. अभी अपन को इसी पर चलना है. तुषार भाई मेरे साथ साथ एकदम पीछे से कोऑर्डिनेट करते हुए. रोड बहुत चौड़ी कर दी गई है, इतनी चौड़ी रोड की हमें आदत नहीं है पहाड़ों में, क्योंकि हम गाड़ी ऐसी रोडों पे बहुत तेज चलाते हैं जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है. आप प्रो हो या एमेच्योर हो, गाड़ी ज़रा सोच समझ चलाइए पहाड़ों में. हमारे आगे पीछे कोई है नहीं ना भाई, मतलब ठीक है पापा मम्मी तो है ही यार, बट अपने आगे ना पीछे. फोटो खींच लो रे मेरे पीछे. क्या बोल रहा, क्यों ना हो ये बताओ, क्यों ना हो. शादी ना करने का ही तो घमंड है मेरे भाई. ऑन कैमरा बोल सकते क्या ये भाई ना. सही बात है. उफ, कमबख्त प्यार तो हमें भी हुआ है और शादी हमारी इन रोडों से हो गई है भाई. ओ भाई साहब क्या मस्त यार, अल्टीमेट. और भैया क्विक अपडेट ये है कि कोई अपडेट नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि सामने का डिस्प्ले चला गया है. पता नहीं कौन सा भाई बोल रहा है तुषार भाई, ये कोई फ्यूज़ चला गया है तुम्हारा, तो मेरे फ्यूल मीटर और ये पूरा क्लस्टर जो है, ये पूरा क्लस्टर सेगमेंट चला गया है. सिर्फ मेरे फ्रंट लाइट काम कर रही है और वो भी ऑक्स नहीं काम कर रही है. फ्रंट लाइट मेरी काम कर रही है और इंडिकेटर्स भी बंद हो चुके हैं और साथ ही साथ क्या बताऊँ मैं, नो फ्यूल वर्कर इज़. एक मिनट टर्न ले लूँ फिर बोलूँगा. हाँ तो सिर्फ हेडलैम्प काम कर रहा है, टेल लाइट काम कर रही है और इग्निशन काम कर रहा है और जो मेरा सेल्फ है वो काम कर रहा है. तो अगर ये बेसिक चीज़ें काम कर रही हैं तो ठीक है. आगे देखते हैं कहीं रॉयल एनफील्ड का अगर कुछ मिलता है शोरूम तो उस पर ठीक कराएंगे, वरना फिर खुद ही से फ्यूज़ निकाल कर और उसको लगाया जाएगा. तो बाकी तो सब ठीक है. अभी हमें जाना है कुछ 2 घंटे दूर और है और 53 किलोमीटर्स ये दिखा रहा है. बस इतना ही अपडेट करना था. होती रहती हैं चीज़ें कभी कभी राइड में आपके साथ अनएक्सपेक्टेड. आज सुबह मैंने बैटरी चार्ज की थी गोप्रो की, अभी थोड़ी देर पहले गोप्रो में दिखाया था लो बैटरी, उसको बाहर निकाल के इंसर्ट किया तो वो सही हो गया. अभी इसमें डिस्प्ले चला गया, क्या पता चाबी निकालें दोबारा लगाएं तो शायद सही हो जाए, कुछ नहीं पता. फ़िलहाल तो हम चले आ रहे हैं और आगे देखते हैं क्या करने का है, कहाँ रुकने का है, सबसे बड़ी बात वो है, पेलिंग या रवांगला, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से हमें नहीं पता हम क्या करने वाले हैं.
तो जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और एक अच्छी खबर यह है कि हमें फिर से रॉयल एनफील्ड ने भरोसा दिलाया है कि गाड़ी हम ख़राब करेंगे लेकिन सुधारेंगे भी हम ही। तो हमें रॉयल एनफील्ड का ऑफिशियल तो नहीं, बट हाँ रॉयल एनफील्ड का भी सुधारता नहीं है, वो तो उनके जो मैकेनिक्स हैं वो सुधारते हैं। तो हमारी गाड़ी में डिस्प्ले वापस आ गया है, खुशी की लहर जनता में दोबारा दौड़ गई है। आपने देखा होगा कि मैंने पहले जब बोला कि ये डिस्प्ले चला गया मैं कितना मायूस था, और अब जो मैं आपसे हंसते हंसते बात कर रहा हूँ, फ़र्क पड़ता है आपकी मैंटेलिटी पर। बंदर भी देखो खुश होकर कहाँ काट रहा है भाई, क्या वो तो रहता ही है, बस दिमाग में वो तो रहता ही है ना कि दिक्कत तो आती है भाई। हाँ वही। तो ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगे, सामान खोला, सीट के नीचे से सामान निकाला, उन्होंने फ्यूज़ निकाला और उसको दोबारा एक फ्यूज़ के साथ रिप्लेस कर दिया। स्पेयर में हमने एक फ्यूज़ जो है जो ख़राब हो गया उसी को रख लिया है और हम वापस अपने रास्ते को पकड़ लिए हैं। और ये जगह है जोरथांग, तो जोरथांग में रॉयल एनफील्ड के आपको मैकेनिक मिल जाएंगे, आप पूछ लेते ना बस किसी से, बाकी तो सब चंगा है। डिस्प्ले आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। जब डिस्प्ले नहीं था ना तुषार, जब मैं डिस्प्ले नहीं था ना तो मैं ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड था क्योंकि कुछ दिख ही ना था। साला डिस्प्ले होता है ना तो अपन को ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा गियर, ये गियर, वो गियर, हमारे में गियर दिखाता है, स्पीड दिखाता है। हाँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस, सही बोला। तो चलिए चलते हैं, सफ़र का शुरुआत करते हैं ऊपर से कि नीचे से। ऊपर से जाम लगा भाई और नीचे से जा ही सकते और क्या भाई, मैं तो चला था नीचे से। ओ भाई ये तो ये नेपाल है। Watch it by my whole house down, I feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away. भाई साहब पहलिंग पहुंचने में 4 किलोमीटर है लेकिन हम बता रहे हैं अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और आप माहौल देख लो सामने, मतलब क्या अल्टीमेट। अरे भाई साहब विजिबिलिटी खतरनाक हो गई है, ज़बरदस्त वाली। ये बादल हैं और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बादल हैं, टोटल प्योर बादल। हम बादलों के बीच में सैर कर रहे हैं अपने जहाज से, ऐसा सुख केवल और केवल देवताओं को मिलता है। क्यों तुषार भाई, स्वर्ग में चल रहा भाई, अपन स्वर्ग में चल रहा भाई, है ना, जान दो कीप इट स्लो। यस भाई साहब मज़ा आ रहा है। ये बालिकाओं को बोलना पड़ेगा साइड में चलो, फॉग लाइट जला ले का। अच्छा भाई साहब क्या, अरे यार क्या, मतलब अल्टीमेट सीन है। बट आई वुड लाइक टू थैंक्स माई आकाश, उसने मुझे इंटरकॉम दे दिया है और उसी की वजह से बदौलत हम आज इतने अच्छे से बात करते हुए आ रहे हैं। आकाश तू मेरा ब्लॉग देखेगा लेकिन मैं तेरे को दुआएं दे रहा हूँ यहाँ से, और दुआ करता हूँ कि तू भी एक दिन राइड करके यहाँ तक आए, क्या पता तू और मैं कभी राइड करके सिक्किम आए। भाई तेरे लिए कुछ छोड़ के आऊँ क्या यहाँ पर जो अनएक्सप्लोर्ड है उसको भाई? हाँ ऐसा कर सकते हैं। तुषार भाई बोल रहे हैं कि आकाश के लिए एक धागा बांध दो, आकाश फिर आके यहाँ पर खोलेगा। आकाश मालूम है तुषार भाई, बंदा बहुत सही है, आपको पता है बंदा बहुत सही है, मतलब अल्टीमेट टाइप। तुम जाओगे ना तो तुमको राइड में बड़ा मजा आएगा। मैं अक्कू के साथ राइड किया हूँ, इश्तिया के साथ राइड किया, दोनों बंदे एकदम सट के चलते हैं भाई, और मतलब अल्टीमेट। और हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग होस्ट करते हैं जिसका नाम है आओ बहन चुगली करें प्रोग्राम। कॉफ़ी पीते पीते हम लोग बुराई करते एक दूसरे की, कभी इसकी ऐसा रहता है, मतलब इंटेंशनली नहीं करते बट वो ऐसा रहता है कि जस्ट मजाक के लिए ऐसा रहता है। भैया दिखना ही बंद होगा मैं तो, चलो। हाँ ये बर्ड पार्क में बर्ड नहीं दिख रही। हाँ वही ना ऑस्ट्रिच चाहिए। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? हाँ
इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, फिजिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ में अगर तुम पढ़ रहे हो तो यही है वो टिंडल इफेक्ट जिसकी हम बातें करते हैं अक्सर कर क्लासों में। बच्चे लेकिन पढ़ते नहीं है, क्लास में समझाओ तो नहीं समझेंगे, ऐसे प्रैक्टिकल दिखा के करने के लिए सोचो इतनी दूर आना पड़ रहा है तुम्हारे सर को, सिक्किम आना पड़ रहा है यार, इंडिया में डेमो देना पड़ता है। चलो यार ये तो चलता रहेगा, हमको थोड़ा कॉन्शियसली राइड करना है इसलिए थोड़ा सा व्लॉगिंग बंद करते हैं ज़रा। ओके, तो हम लोग आ गए हैं पेलिंग में, और पेलिंग में हमने ले लिया है रूम जो कि बहुत ही अच्छी और प्राइमरी लोकेशन पर है। रूम हमें पड़ा है 1500 रुपये इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, डिनर हमने अभी रात में ऐसे घूमते फिरते कर लेंगे, लेकिन ये पेलिंग में अपर पेलिंग पे है। और भाई साहब जो व्यू है ना वो अलग लेवल का है। रूम में आपको दिखाता हूँ कि रूम किस लेवल का है, ये देखिए आप, ये है अपना रूम। तुषार भाई बैठ के मखाने खा रहे, सीधा साधा बच्चा उनके भाई, ये तो गौर देखिए इस चेहरे को, मैं जानबूझ के ऐसे कंघी निकालिए ताकि ये बच्चा बाइकर है ये पता ही चले थी क्या 35 साल का है, पता नहीं चला। ये देखिए भाई साहब, ये रूम है, बस इस रूम में पंखा नहीं है और एसी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पंखा और एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर देख लो यार क्या मौसम हो रहा है, ये अलग लेवल का मौसम हो रहा है। तो भाई साहब जो है अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करके और निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। वेलकम टू सिक्किम है, पैलिंग से एकदम लाइव चल रहे हैं, लाइव बस मज़ा आने वाला है। अभी तो हमने कैसे भी करके जो प्रॉब्लम है ना वो गाड़ी वाली अभी जा नहीं रही है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जाते हैं बैठ के देखते हैं क्या सोचना है उसके बारे में, लेकिन फिलहाल हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, फोटो वोटो खींचने के लिए, मज़ा आने वाला है। बने रहिए, आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे खूबसूरत से शॉट्स अगर मिल जाते हैं तो, क्योंकि अगर धूप नहीं निकली तो स्काई वॉक पता नहीं क्या करेंगे वहाँ पर जाके। खैर जो भी है पता आपको लगता रहेगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी से ब्रेक के बाद। क्या है ऑप्टिकल फाइबर का टंटाई? हाँ, क्योंकि टूटती गिरती रहती होगी, ये गिरती रहती हैं, ऐसी लगा टूट गई गिर गई। तो अभी हम लोग घूमते हुए सिटी की तरफ गए थे, एक्चुअली हमारा होटल जो है वो अपर पेलिंग में है, और आप देख लो कि हमारे पीछे कितना कोहरा है, मतलब अल्टीमेट टाइप का कोहरा है। और तुषार भाई ने ही बोला है कि सारे हिल स्टेशनों को उसने फेल कर दिया, क्या तुषार भाई सही बोल रहा हूँ? सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसा है, टोटली डिफरेंट, देखना देखना, तो एकदम डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है। तुम देख लो खुद यहाँ पर, मतलब ये इस टाइप का कुछ चल रहा है यहाँ पर, पूरे बादल ही बादल से घिर के रखा हुआ है अल्टीमेट। मुझे बस हमें डाउट ये हो रहा है कि हमारा रास्ता ना भूल जाए, बाकी तो सब ठीक है। बारिश तो अब यहाँ से जो है अब होटल जा रहे हैं, वहीं पे खाना हमने ऑर्डर किया हुआ है, और आज पेलिंग में ही रुक गए हैं, और वहाँ पे हम खाना खाएंगे और रात में वहीं सो जाएंगे। ये है इस समय माहौल, और ये हैं इस समय हम, अलग लेवल का मतलब एक्सपीरियंस है, बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। कोहरा छाया हुआ है और हम लोग जा रहे, गड्डी नहीं है, वो होटल की लाइट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ आ रहे। ये देखो तो शार भाई को, अरे बाप रे क्या इंक्लाइंड है ना, इसलिए। चलो मिलते हैं आपसे होटल में। ओके, तो ये हमारा खाना आ चुका है और हम लोग आ गए हैं रूम पे और खाना खाने के लिए जा रहे हैं। बस हो गया है अब सब कुछ रेडी और एकदम मस्त खाना आया है, खाना खा के बस सो जाएंगे। ठंड बहुत तेज़ बढ़ रही है और अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। और मिलते हैं आपसे कल सुबह, जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन पर, प्लस थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे पेलिंग को और जाएंगे एक नए डेस्टिनेशन पर। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, अभी तो हम खाना खाएंगे और आप भी अपने मज़े लीजिए घर बैठ के खाने का। यहाँ तो टेम्परेचर अल्टीमेट है और बाहर का व्यू यहाँ से मैं आपको सुबह दिखाऊंगा जो कि अल्टीमेट होने वाला है। चलो मिलता हूँ आपसे कल सुबह, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।